नमस्कार, मैं हूं नवीन और आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी सिर्फ मेड इन काशी पर। जेठ आषाढ़ में तपे मनुष्य का नीरस मन आसमान में बादलों के दर्शन मात्र से ही झूम उठता है। हर मन में मानसून की मन्नत होती है। खेतों की दरारों और पेड़ों के पत्तों की बूंदों की तड़प रहती है। उन बूंदों की प्यास में तड़पता चातक भरे तालाब को भी देखकर मुंह फेर लेता है। सबकी मनोकामनाओं को मानसून की पहली बरसात सपने के पूरे होने जैसा होती है। ये सब तो तब की बातें हैं जब मन में संपन्नता हो और घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ हों। स्थितियां अगर विपरीत हों तो सावन की बारिश भी अंतर मन के सूखे को भिगा नहीं सकती। ऐसे में सावन काटने को दौड़ता है, बारिश चिढ़ाती है, बिजली कानों को त्रास देती है, बादल कभी न छटने वाले लगते हैं। बस उस समय की प्रतीक्षा रहती है जब बरसात केवल पानी की बूंदे मात्र न लगे बल्कि जीवन की तमन्ना बन जाए, जीने का एक बहाना बन जाए। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तकरीबन 9 बजे रात का समय था। खाट पर बैठे रामदीन के हाथों में एक स्टील की थाली थी, एकदम खाली। रामदीन अपना मन मार कर बैठे थे। उनको माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ के रहते ऐसे मौसम में तो चाय पकौड़ी अपने आप ही खाट पर मिल जाया करती थी। यमदूतों का कोई भरोसा नहीं था, उनसे रहा भी नहीं जा रहा था। उनकी पत्नी पार्वती खाली थाली देखकर उनका इशारा तो समझ रही थी लेकिन घर के साधन उनका साथ नहीं दे रहे थे। उस दिन रामदीन के अंदर का बच्चा उनके सयानेपन पर हावी होता जा रहा था। घड़ी की सुई के कितने चक्कर और देखेंगे रामदीन को पता नहीं था। फिर उम्र का क्या लिहाज करना, उम्र ने तो उनसे जीने का अधिकार ही छीन लिया था। अब तब वाली घड़ी थी, फेफड़े का कर्क रोग अपने अंतिम पड़ाव पर था। जब कुछ खोने के लिए न हो तो किस बात का डर। उन्होंने उम्र की सारी बंधनों को तोड़ दिया और एक बच्चे की तरह अपनी पत्नी से बोले, मगर थोड़ी झिझक के साथ, आज थोड़ी चाय पकौड़ी मिल जाती तो। पार्वती, थोड़ी खिसिया कर, मानिए कि वो समय को काटते हुए दौड़ी हो। कहां से मिल जाएगी, पानी में छान कर दे दें, तेल नहीं है। मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोचा भी करिए। रामदीन का मुंह लटक गया। अपने पति का उदास मन देखकर पार्वती बोली, अच्छा काकी के घर से तेल मांग के लाती हूँ। काकी उसी गांव से थी लेकिन रामदीन के घर से थोड़ी दूरी पर घर था। पक्की सड़क से चलकर लगभग 20 मिनट लगते। रामदीन, अरे नहीं नहीं रहने दो, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, तुमने तो बड़ी गंभीरता से ही ले लिया। अरे खैरात में मांगने नहीं जा रहे हूँ, बरसात का मौसम बीत जाएगा तो सरसों पेरवा कर वापस कर दूंगा। रामदीन, आज रोज से तेज बारिश है, छाता भी नहीं है, रहने दो। बिजली भी कड़क रही है, खतरा काफी लग रहा है आज, और जानवर भी सारे अपने उफान पर होंगे। पार्वती, मरण शैया पर आप पड़े हैं और खतरा मेरी जान को मर रहे हैं। कर्क रोग बीड़ी से हुआ है, दिमाग को भी लगता है धुएं में उड़ा दिए हैं। इतना कहते हुए पार्वती ने घर में रखा जूट का बोरा सिर पर ओढ़ा और घर से निकल गई। रामदीन पूरे जोर से, बरसात में सीधे रास्ते जाना। अमावस की काली रात में काले नाग जैसे बादल, बादलों का गर्जन मंदिर में बजने वाले नगाड़े से भी भयंकर, मूसलाधार झमाझम बारिश। इतनी बारिश कि पेड़ों के पत्तों पर गिर रहे पानी की ध्वनि
ऐसी थी मानो कोई पटर पटर पत्तों को पीट रहा हो। लेकिन पार्वती जब भी पेड़ों के नीचे आती, बारिश की बूंदों से शरीर पर लगने वाली चोट थोड़ी कम होती। पेड़ों की पत्तियां और डालियां पार्वती की ढाल जैसा काम कर रही थी। काली अंधेरी रात में बिजली का कड़कना एकदम दिल को दहला देता। ऐसा लगता कि हृदय कंपित हो गया है, ऐसा कंपन जो हृदय को यथास्थिति में न लौटने दे, हृदय फट जाए। हाथ सिकोड़ के चलना पार्वती के स्वभाव में था। वही बिजली काली रात के अंधेरे को काटने का भी काम कर रही थी। बिजली का प्रकाश रास्ते को काम भर का उजाला दे जाता। उसी प्रकाश के सहारे पार्वती थोड़ी बहुत सजगता बरतते हुए चलती जा रही थी। वो काकी के घर जल्दी पहुंचने और बारिश की कंकड़ों जैसी मार से बचने के लिए साफ सुथरा पक्का रास्ता नहीं चुनी। बिजली अगर गिरे तो भी पेड़ ढाल बनेंगी, ऐसी कामना के साथ वो झाड़ी और बगीचे वाले तिरछे रास्ते से गईं। जल्दी थी क्योंकि पति की सांसों का भरोसा नहीं था। पार्वती का सतीत्व दांव पर था। रात में काकी की घर की किवाड़ के पीटे जाने पर काकी एकदम सहम गई। इतनी रात में कौन आ गया? दरवाजा खोलने पर उन्होंने रामदीन की बीवी को पाया। उनका कलेजा और तेजी से धड़कने लगा। अरे पार्वतिया, रामदीन तो ठीक है ना? पार्वती हांफते हुए, हाँ काकी जी, आज पकौड़ी खाने का मन चढ़ा है, उनकी माँ ने जीभ बिगाड़ दी है। अच्छा काकी जी, थोड़ी कड़ू का तेल है? दे दो, रात में नशा चढ़ा है चाय पकौड़ी का, इसीलिए भागी भागी आई, क्या पता अंतिम बारिश हो। काकी, आज हमारे घर भी संजोग से पकौड़ी ही बनी थी, बेटवा के लिए बनाए थे लेकिन इंद्रदेव ने उसको बनारस में ही घेर लिया। इतना आंधी तूफान में गंगा का घाट बंद हो जाएगा ना, इसीलिए अपने दोस्त के यहाँ ही रुक गया है। ऐसे में नाव कहाँ चल पाएगी, बेचारा आज पकौड़ी के लिए ललचता ही रह गया। बुरा न मानो तो दे दूं, थोड़ी कठुआ गई है। पार्वती थोड़ा संकोच करते हुए, अरे काकी लाओ, मरने वाले को पकौड़ी मिल जाए वही बहुत है, गरम सरद कौन देखता है। वो स्टील के टिफिन में पकौड़ी लेकर जल्दी से भागे भागे घर को वापस चली। काकी घर के अंदर से, अरे ये छाता तो ले लो, बगीचे से मत जाना। काकी ने चौखट से बाहर निकलकर थोड़ा झांका, लेकिन इतने में पार्वती वहां से जा चुकी थी। वापस आने का वही रास्ता चुनी, छोटा झाड़ वाला, बगीचे में पानी भरा था। घुटने भर पानी को पार करते हुए घर पहुंचने की धुन में थी। उनके पैर में कुछ चुभा, चीरने जैसा। उनको लगा कि किसी पत्थर से टकरा गई होंगी। घर पहुंचते पहुंचते उनको चक्कर आने लगे। हांफते हुए उन्होंने टिफिन खोला और अपने पति के सामने दिया और बेसुध होते हुए, काकी ने तुम्हारे लिए दिया है, लो तृप्ति पालो। रामदीन ने कोई हरकत नहीं की। वो शब्द पार्वती के अंतिम थे। उनको रास्ते में पत्थर का चीरा नहीं, सांप का दंश था। अनहोनी उस रात प्रबल थी। उस दिन रात ने दोनों को मुक्ति दे दी थी। एक बीमारी से आजाद था और दूसरा गरीबी से। रामदीन की पकौड़ी की चाह पूरी नहीं हो पाई। पार्वती को नाग ने सती बना दिया। तो ये थी कहानी जिसका शीर्षक था अधूरी चाह। आशा है कि आपको पसंद आई होगी और आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।